पास 80 टू 90 परसेंट इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तानी रेयरली एक आज चीज़ें हैं तो मैंने कहा इट्स हाई टाइम कि हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ट्राई करें प्लस हमारी इकोनोमी भी हेल्प होगी इससे तो ये काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं काफ़ी सारे पार्सल्स हैं हमारे पास मुसरत मिसबा है ब्यूटीफाई बाय आमना बीबीए है सारा अली कॉस्मेटिक्स है लशियस कॉस्मेटिक्स है इसके अलावा क्रिस्टीन भी है अफोर्डेबल में तो मन बाई वन दिखाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जी ये वाला पार्सल है इसको अनबॉक्स कर लेते हैं इसके बैक पे से लिखा हुआ है मुसरत मिसबा तो आई ऑलरेडी नो नोगा इसमें क्या है तो ये जो बबल रैप हुआ हुआ है अच्छा जो मैंने मंगवाया उसको तो मुझे पता है ये पता नहीं क्या आई थिंक कोई थैंक यू कार्ड है नहीं अच्छा ओके दिस इज़ परफ्यूम टेस्टर अच्छा मुझे नहीं पता था कि मुसरत नस्बहत की परफ्यूम्स भी होती हैं लेकिन आई गेस ये उसका टेस्टर है खैर दिस इज द मेन प्रोडक्ट दिस इज़ द वेरी पॉपुलर एंड आई गेस वेरी वेल डिजर्विंग एम एम सिल्क फाउंडेशन अच्छा मैंने इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज देखें एंड आई हर्ड के ये इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि मतलब इंटरनेशनल लेवल के बड़े बड़े ब्रांड्स के जो फाउंडेश्स है उनको बीट कर सकता है सो आई एम एक्साइटेड टू ट्राई बाई द वे प्राइस इसके थे फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन शेड जो मैंने लिया है वो आलमंड लिया है एंड अच्छा यहाँ बैक पे अगर आप इसके देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन टर्की तो आई गेस ये तुर्की में बना होगा लेकिन ये पाकिस्तानी बिजनेस है पाकिस्तानी प्रोडक्ट है एटलीस्ट इसका प्रॉफिट या कमीशन जो है यहूदियों के पास नहीं जा रहा है ओके सो दिस इज़ हाउ द बॉटल लुक्स लाइक फ्रॉस्ट बॉटल है ये इसका जो कैप है वो प्लास्टिक का है एंड देखने में काफ़ी क्लासी अच्छी लग रही है लग्जूरियस लग रही है बाकी मैं खोल के दिखाती हूँ ओके तो पंप है इसमें ऊपर और मैं आपको हाथ पे इसका शेड दिखाती हूँ शेड मैंने खुद चेक किया था बाय द वे मैंने खरीदने से पहले मैं मॉल गई थी असल में वहाँ मैंने चेक किया था मैंने कहा था एक्सपेंसिव फाउंडेशन है ऐसा ना शेड गलत आ जाए क्योंकि मेरे साथ दो दफ़ा ऐसा हो चुका है मैं शेड गलत मंगवा लिया था तो दिस इज़ द परफेक्ट शेड फॉर मी मुझे वार्म टोन सूट करता है वॉमटो नहीं है और शेड भी परफेक्ट है अच्छा सर मैंने मॉल में वहाँ पे इसका टेस्टर ट्राई किया था ना टू बी ऑनेस्ट मैं शॉक थी क्योंकि इट्स माइंड ब्लोइंग मतलब वहीं टेस्ट करते मुझे पता लग गया था कि बेहतरीन फाउंडेशन है इट्स हाई कवरेज स्टे भी अच्छा दे रही थी ब्लेंड भी इजिली हो गई थी तो खैर फिलहाल मैं ये रिव्यू नहीं दे रही हूँ कि अभी मैंने ट्राई नहीं किया सही से अभी तो अनबॉक्सिंग की है मैंने मैं फुल फेस मेकअप करूँगी ट्राई करूँगी बारह तेरह घंटे के लिए छोड़ूंगी फिर बताऊंगी कैसी है तो ये था जी हमारा पहला प्रोडक्ट मुसरत मिसबा की सिल्क फाउंडेशन दैट आई गॉट इन द शेड आलमंड इसका लिंक बल्कि सभी का लिंक ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्सल जो कि ये वाला है और ये दराज का पार्सल है और इसमें जी हैं क्रिस्टीन के प्रोडक्ट्स मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ये क्रिस्टीन कुछ चीज़ें मैं ट्राई कर चुकी हूँ पहले भी लिप लाइनर्स इनके मुझे बहुत पसंद है कॉम्पैक्ट पाउडर भी इनका यूज़ किया हुआ है मैंने आई थिंक दोबारा भी मंगवाया है तो वन बाय वन दिखाती हूँ आपको मैं सबसे पहले जी ये हैं लिप लाइनर्स इसमें से एक तो आई थिंक मैंने थर्ड टाइम मंगवाया है सेम शेड बहुत अच्छा ब्राउन लिप लाइनर और ये रहा वो इसका शेड है कैफे वन जीरो एट बहुत अफोर्डेबल लिप ही हैं और काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी मैं आपको स्वस्थ दिखा देती हूँ उसका ये देखो बड़ा अच्छा प्यारा सा जो आप लिप लाइन करने के लिए एक एक ब्राउन शेड तो सबके पास होता ही है ना जो आप लिपस्टिक से पहले लगाते हो जो आपको बहुत अच्छा लगता है बहुत फेवरेट होता है आपका ये मेरा वो फेवरेट वाला लिप लाइनर है तो ये जी आ गया हमारे पास पहला लिप लाइनर दूसरा ये वाला है ये वाला ना लिपस्टिक क्रेन है इसका शेड नंबर है नेचुरल वुड टू सिक्सटी और ये भी अगेन ब्राउन्स में ही मैं आपको दिखाती हूँ बट थोड़ा सा ये कूल टोन में है जिससे पहला वाला जो था लिप लाइनर वो वॉम टोन में था ये कूल टोन में है पर नाइस कलर अच्छा है और पिगमेंटेड है इजिली ग्लाइड हो जाता है क्रीमी टेक्स्चर है तो ये जी हो गया हमारे दो शेड्स एक लिप लाइनर का और एक लिप क्रेन का अच्छा इसके अलावा क्रिस्टीन की मैंने लिपस्टिक्स भी खरीदी थी ये भी मैं एक दफा ट्राई कर चुकी हूँ जब भी रिपचेज किए फार्मूलेशन अच्छी लगी थी दो शेड्स लिए हैं मैंने एक वन ट्वेंटी वन है एक वन थर्टी सिक्स है पहले वन ट्वेंटी वन देखते हैं तो ये अंदर से देखने में कुछ इस तरह से यह ब्लैक स्ली काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है जितनी सस्ते हैं इनके प्राइस हैं उसके हिसाब से आई गेस पैकेजिंग अच्छी है और ये जिस बुलेट लिपस्टिक का कलर है थोड़ा सा डीप पिंक मॉव ब्राउन टाइप का कलर है मैं दिखा देती हूँ स्वाच इसका अगेन पिंक्स में है बट थोड़ा सा ब्राउन के हिंट भी है नेक्स्ट ये वन शेड है ये वाले बुलेट लिपस्टिक देख लेते हैं एंड दिस इज़ प्रॉपर ब्राउन ये एकदम डार्क वाला ब्राउन है इस तरह के लिए मैंने कभी वेयर नहीं की है बट एक्साइटेड देखते हैं कैसी लगेगी न्यूड मेकअप से ज़्यादा ही सच्ची लगती है तो ये चीज़ का सोच है काफी डार्क ब्राउन कलर है एंड आई गेस अच्छा लगेगा ये विद वेरी लाइट मेकअप और लाइट आईज या फिर पूरा ब्राउन मेकअप हो गया तो ये जी क्रिस्टीन के सारे सस्ते से प्रोडक्ट्स आ गए हैं सारे के सारे कुछ लाइनर्स हैं कुछ बुलेट लिपस्टिक लिपस्टे कुछ क्रोन है सबके शेड मेंशन कर दूंगी एंड क्वालिटी अच्छी है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैम अब जी इनमें से कोई चीज देखते हैं आई गेस ये फाउंडेशन चेक करता हूँ अच्छा ये जी है क्रिस्टीन के मैट फिनिश प्योर स्टे लिक्विड फाउंडेशन सॉफ्ट एंड स्मूद और इसका शेड नंबर जी है सी एन जीरो थ्री और इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियम जीरो थ्री तो ये जिसका शेड है अब निकाल के देखते हैं oh, <laughs> थोड़ा सा उप्स मोमेंट हो गया है ये बहुत लाइट कलर आ गया इट्स गिविंग हाय सिस्टर्स हालांकि मैंने मीडियम इसी मंगवाया था कि मतलब मीडियम तो शेड्स मीडियम वाले ही होते हैं ना ब्राउन टोन्स में होते हैं ये तो आइवरी मज आ रहा है बट खैर खोल के देखते हैं क्या पर अंदर से ठीक हो ये जी पंप वाली इसकी बॉटल है और पैकेजिंग अच्छी है फ्रॉस्ट की कांच की बॉटल है फ्रॉस्ट में है लेकिन और ये जी आ गया इसका शेड आई थिंक हाँ शेड तो लाइट है बट चलो खैर अगर आप लोग ऑर्डर करोगे तो आप लोग थोड़ा डार्क शेड ऑर्डर करना तो आपके हिसाब से बटर आएगा बाकी अगर आपका फेयर कलर है तो आई थिंक ये मीडियम जीरो थ्री आपकी स्किन टोन पे सही जाएगा तो ये जी हो गया शेड ये थी क्रिस्टीन की प्योर स्टेल लिक्विड फाउंडेशन अब जी हम देखते हैं ये वाला इनका पाउडर मैंने कोई अफोर्डेबल रेंज में अच्छा सा कोई कॉम्पैक्ट पाउडर ढूंढ रही थी काफ़ी टाइम से आई गेस ये अच्छा होगा देखते हैं खोल के निकाल के अच्छा शेड इसका मीडियम नाइन वन टू है देखने में ये देखो काफी स्लीक सा अच्छा लग रहा है मे बी इनका जो फिटी वाला कॉम्पैक्ट पाउडर है उसकी तरह लग रहा है और ये जी खोलिया अंदर मिरर है और साथ में ये जी पफ के है काफ़ी सॉफ्ट सा टेक्सचर है इसका तो आई थिंक अच्छा होगा काम का बट नॉर्मली काम के नहीं होते वाले <laughs> बाकी ये इसका शेड आई थिंक बेटर है मतलब मीडियम के हिसाब से वाकई मीडियम ही है देखने में अच्छा लग रहा है थोड़ा सा इसका चेक कर लेते हैं कि कलर चेंज ना हो एंड नो ओके कलर ठीक है अच्छा है बिल्कुल परफेक्ट है मीडियम के हिसाब से बाकी ट्राई करूंगी अभी तो खरीदा है ट्राई करूँगी सारी चीज़ें फिर मैं रिव्यू करूँगी रिव्यू नहीं कर रही हूँ अभी मैं तो ये थी वो सारी की सारी चीज़ें जो क्रिस्टीन से ऑर्डर की थी दराज पर उनका ऑफिशियल स्टोर है तो वहीं से मंगवाई थी फाउंडेशन है कॉम्पैक्ट पाउडर दो लिपस्टिक्स एक क्रेन और एक लिप लाइनर तो जी अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पाकिस्तानी मेकअप पार्सल पर कि उसमें क्या है काफ़ी प्रटी पिंक बॉक्स है पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में अच्छा ये मैंने एक स्मॉल बिजनेस ऑर्डर किया था पाकिस्तानी ही है और इस ब्रांड का नाम है कलर क्रश कॉस्मेटिक्स यहाँ पे मैंने इतने कोई क्यूट प्यारे से ब्लश देखे थे ना तब से मैंने उसको सेव करके रखा हुआ था कि लूँगी मैं एक ना एक बार और ले लिया फाइनली मैं दिखा देती हूँ ये जिनका बॉक्स है और शेड अगर हम देखें तो एक का शेड है ब्लश हेम और एक का है रोज़ तो ज़रा निकाल के देख लेते हैं एंड यस ये जी हैं वो ब्लश स्टिक ब्लश आजकल ब्लश स्टिक में ब्लश क्रीम्स में बहुत चल रहा है तो ये स्टिक्स हैं जैसे पिक्सी की थी ना वैसे ही हैं और मतलब आउटर लुक देखो इसकी पैकेजिंग देखो ऊपर कितना क्यूट लग रहा है शेप कितनी क्यूट हार्ट वाली है मैं खोल के भी दिखा देती हूँ ये जी हमारे पास आ गया पहला शेड दिस इज़ आई गया रोज ओ नहीं वेटी रोज़ नहीं है ये ब्लश हिम है इस शेड का नाम है ब्लश हिम और काफ़ी कूल टोन मॉफ टाइप इसका शेड लग रहा है थोड़ा पीच पे भी फॉल कर रहा है इसका शेड मुझे प्रॉपर समझ नहीं आ रहा है लेकिन ब्राउन टोन्स में और थोड़ा सा मॉफ शेड में जा रहा है मैं इसका स्वाच दिखाती हूँ एक सेकेंड स्कन पर ओके सो दिस इज इट लुक्स लाइक कूल है डेफिनेटली पिंक्स में भी जा रहा है बट थोड़ा सा ब्राउन टेंट में है चीक्स पे काफी प्रिटी लगेगा क्योंकि ऐसा मेरे पास एक पाउडर ब्लश है बहुत प्यारा लगता है आपको अच्छा सेकंड जी आ गया ये वाला अगेन सेम पैकेजिंग है वही हार्ट वाला शेप है सेम ब्लश स्टिक है बट इस शेड का नाम है रोज ये अपने नाम की तरह ना काफी हद तक रेड और ऑरेंज शेड्स में जा रहा है बट आई थिंक ये ब्राउन टोन्स पे काफी अच्छा लगेगा ये देखो मतलब दोनों के दोनों शेड्स ना ब्राउन स्किन पे काफी अच्छे लगने वाले हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये जो दोनों शेड्स है ऊपर वाला है मैं नीचे वाला रोज है पाकिस्तानी ब्रांड है ये कलर क्रश स्मॉल बिजनेस है ये मुझे देखने में पैकेजिंग वाइज काफी क्यूट लगा था इसलिए लिया था बट आई गेस काम भी अच्छा करेगा क्योंकि काफी पिगमेंटेड दिख रहा है बाकी इसको मैं यूज करके बताऊंगी कि कैसा है एक्चुअल में तो चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्सल पे देखते हैं कि उसमें कौन सा पाकिस्तानी ब्रांड का मेकअप है तो ये जी आगे हमारे पास पार्सल और इसको बैक पे मैंने करके देख लिया इस पर लिखा हुआ सारा कॉस्मेटिक्स तो मुझे पता लग गया इसमें क्या है ये आई थिंक मेकअप आर्टिस्ट है उनका अपना ब्रांड है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है टू तो बी ऑनेस्ट लेकिन जो देखने में मतलब जो चीज़ प्रोडक्ट नजर आ रहा था ना उसके हिसाब से आई थिंक वर्थ इट होगा बाकी निकाल के देखते हैं ये जी दो चीज़ ऑर्डर की है मैंने एक ये हमारे पास है सारा अली कॉस्मेटिक्स का अल्ट्रा फाइन एच डी सेटिंग पाउडर ये सबसे ज़्यादा मोस्ट हाइपड प्रोडक्ट है इनका काफ़ी सारे इन को मैंने देखा है कि उन्हें बहुत पसंद आता है इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया है एंड लेट्स सी के कैसा है ओके पैकेजिंग इज़ नाइस ये जी निकाल के देख लेते ओह टनस oh, काफी अच्छी पैकेजिंग है मार्बल टच और बाकी ये जिसकी हेक्सागोनल टाइप की शेप है अच्छी लग रही है इसको खोल के आप देख लेते हैं अच्छा जी तो खोलते सबसे पहले एक तो ये पफ है एप्लीकेशन के लिए काफी अच्छा है क्वालिटी में काफी सॉफ्ट है क्योंकि और सच बताऊँ ना हाथ में पकड़ने में काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट लग रहा है ये ऐसा लग रहा है कोई इंटरनेशनल ब्रांड का है बट इट्स पाकिस्तानी सारा अली कॉस्मेटिक्स का है बट अभी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मैं ट्राई करूँगी फिर बताऊंगी इसका स्टिकर मैं हटा नहीं रही अभी देखने के लिए बाद में जब ट्राई कर रही होंगी ना तभी मैं देख लूँगी अच्छा बाकी सेकंड चीज़ के ऑर्डर किया मैंने वो देखते हैं ओके जैसे दिस इज सारा अली कॉस्मेटिक्स का हाइलाइटर देख रहे हैं पैकेजिंग वैसे ही है बैक पे हम देख लेते हैं ओके बैक पे सब डिटेल्स लिखी हुई है ल्यूमिनस हाइलाइटर नाम है इसका और शेड का नाम है रोज गोल्ड डस्ट Now लेट सी के ये अंदर से देखने में कैसा होगा एंड ओ oh, यार सीरियसली कितनी कोई बॉम्ब डॉट कॉम किस्म की पैकेजिंग है इनकी वैसे जितने महंगे प्रोडक्ट है जाहिर है पैकेजिंग तो अच्छी करनी करनी थी बाकी बैक पे से वैसे ही रोज गोल्ड है ये और बाकी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है शेड वगैरह लिखा हुआ है अब इसको खोल के देखते हैं कि पैन कैसा है अंदर से एंड ओ एम जी कितना तो प्यारा लग रहा है कितना तो शिमरी शिमरी सा है कलर रोज गोल्ड मतलब परफेक्ट वाला रोज गोल्ड है यह ना ब्राउन में जा रहा है ज्यादा ना बिल्कुल गोल्डन में परफेक्ट रोज गोल्ड और क्लोजअप देखो इसका आई लविंग इट मुझे नहीं लग रहा मैं कभी यूज कर पाऊंगी मुझे लगेगा मैं इसको स्वाच करूंगी तो उसकी शेप खराब हो जाएगी ओ माई गॉड ओके बट देखने मुझे ये ऐसा है मिरर भी एक इवन उस पर से मैं स्टिकर हटा नहीं रही हूँ फिलहाल फालत तो में गंदा हो जाएगा वरना ओके ब्रो बोनाओ आई कैन से पाकिस्तानी मेकअप प्रोडक्ट्स आर लेवलिंग अप देयर गेम मतलब सही में वो इन और इंडस्ट्री में आई एम प्राउड टू से यह पाकिस्तानी प्रोडक्ट है बट सिंस प्रेज साइड तो शायद हर कोई ना ले पाए बट जो ले सकते हैं डूट राइट मुझे लग रहा है अच्छा होगा बाकी मैं रिव्यू नहीं कर रही हूँ अभी इन सम फ्यूचर वीडियो में उसको इनशाला रिव्यू करूँगी ओके सो नाउ इट्स टाइम फॉर दी नेक्स्ट पार्सल और ये जी हमारे पास है डब्बा एंड इट इज बाय लशियस कॉस्मेटिक्स अगेन अ वेरी वेल नॉन ब्रांड और ये काफी पुराना भी है मुझे कभी बस ट्राई करने का मौका नहीं मिला लेकिन अब खरीद लिया है कुछ दो तीन चीजें मंगवाई हैं तो देखते हैं कि क्या क्या है अच्छा इसमें ना मुझे मेन एक्साइटमेंट इन दो चीज़ों की है एक तो है यह सॉफ्ट लाइट ऑल डे ग्लो फाउंडेशन और ये जी है सॉफ्ट लाइट ऑयल कंट्रोल प्रेस्ड पाउडर इसकी तारीफ है ना आपने शायद देखा उनको आई एम टॉकिंग अबाउट दुआ सिद्दीकी शी इज वन ऑफ द ओजी यूट्यूबर्स मेकअप वगैरह रिव्यू करती थी काफी अच्छा कॉन्टेंट था यूट्यूबर है वो तो उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की थी इस फाउंडेशन की स्पेशली और कॉम्पैक्ट पाउडर की भी इसलिए ख़रीदी है मैंने ऐसा सबाया था जो फाउंडेशन है इसमें शेड्स बहुत सारे गिवन है एंड एक मजे की बात यह कि दे आर मेड इन ताइवान यहाँ पे लिखा हुआ है बैक पे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बाकी पैकेजिंग इज स्ट्रेंजली नाइस और ये शेड है इसका वन खोल के देखते हैं अंदर से ओके अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ट्रांसपेरेंट बॉटल होगी वैसे मैंने देखी हुई थी बट तो मेरे जहन में नहीं था अभी खैर दिस इज़ हाउ द फाउंडेशन लुक्स लाइक ट्रांसपेरेंट बॉटल नहीं है ये मेटल है पता नहीं क्या मटेरियल नहीं समझ आ रहा मुझे लेकिन बहरहाल देखने में ये ऐसी लगती है और शेड वगैरह इसका बता दिया था मैंने वन है इसके अलावा खोल के ऊपर से देखते हैं ओके गुड शुक्र है पंप गिवन है वरना मुझे लग रहा था पंप नहीं होगा ऐसे मैं स्वाच दिखा देती हूँ आपको हाथ पे अच्छा काफ़ी ज़्यादा वॉम टोन में है ये और आई गेस आई लाइक इट क्योंकि मुझे वॉम टोन बहुत सूट करता है बाकी एक चीज़ तो मैं अभी से बता सकती हूँ इसकी कवरेज बहुत हाई है क्योंकि अभी मैं लगा रही हूँ तो उससे मुझे आइडिया हो गया है बहुत थिक कवरेज है तो गुड है ये चीज़ मतलब प्रोफेशनल लेवल पे भी इसको यूज कर सकते हैं बाकी शेड आप देख लो मीडियम टोन वालों के लिए ठीक है अगर आपको वॉम टोन सूट करता है तो वरना आप देख लेना शेड रेज इनके पास है अच्छी खासी चलो अब इनका ये प्रश पाउडर चेक करते हैं इसकी भी मैंने काफ़ी तारीफें सुनी हुई हैं तो सी के ये देखने में कैसा है और शेड इसका नंबर टू नेचुरल बेज अच्छा ये शेड है इसका अच्छा देख लेते हैं अंदर से ओके अगेन वही ग्रे सिल्वर मेटल टाइप की इसकी लुक है और लशियस लिखा हुआ है इसको खोल लेते हैं अच्छा तो ये जी पफ गिवेन है पतला सा और साथ में शीट है शेड काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे अपने हिसाब से मतलब बिल्कुल परफेक्ट स्किन टोन पे जाएगा ना ज्यादा लाइट है ना ज्यादा डार्क है तो ये तो अच्छा है बाकी परफॉर्मेंस का आई कैन नॉट से एनीथिंग राइट नाउ जब मैं इसको खुद इस्तेमाल करूँगी तभी बता पाऊंगी कि कैसा दा है तो स्टे यून फॉर द रिव्यूज़ बाकी एक और भी कुछ मंगवाया था यहाँ से हाँ ये ब्राउ पेंसिल अच्छा तो ये जी अगेन लशियस कॉस्मेटिक्स से मंगवाई है इसका नाम है ब्राउल्यूक्स आईब्रो डिफाइनर पेंसिल एंड आई एमश अबाउट द शेड क्योंकि मैंने तुके मंगवा लिया था शेड जी मैंने मंगवाया है जीरो फाइव कैरमल अब मुझे नहीं पता ये कैसा होगा मेरे आईब्रो के बालों के हिसाब से मैच करेगा या नहीं नाउलेट सी देखने में जी पेंसिल इस तरह से अच्छा गुड है ऊपर स्पूली भी गिवेन है और एक एंड पे क्रेन है मतलब पेंसिल है जो आईब्रो के लिए होती है अच्छा शेड देख लेते हैं आप पेंसिल का ओके तो ये काफ़ी लाइट ब्राउन टाइप लग रहा है इसका सॉस में दिखा देती हूँ ओह ज़्यादा जोर लगा दिया मैंने एक सेकेंड अच्छा जी तो मैंने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया था टूट गई इसकी पेंसिल अच्छा खैर दिस इज़ द शेड अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मैच करेगा आईब्रो के हिसाब से नहीं आई थिंक काफ़ी डिफरेंट कलर है ये मेरे बाल के हिसाब से बट दैट्स टोटली माई मिस्टेक क्योंकि ज़ाहिर मैंने ऑर्डर किया है बट खैर देखने में अच्छी है और बाकी टेक्स्चर भी काफ़ी क्रीमी है पिगमेंटेड भी है तो ये चीज़ तो इसकी गुड है बस शेड आप लोग देख लेना हाँ जी तो ये तीन चीज़ें मैंने खरीदी थी लशियस कॉस्मेटिक से इनके फाउंडेशन इनका प्रेस्ट पाउडर और एक ये ब्राउ पेंसिल तो ये जी हो गया हमारा ये वाला हॉल अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट बल्कि ये लास्ट पार्सल है एंड दिस इज़ बाय अगेन अ वेरी 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 वेल नोन ब्रांड बी बी है ब्यूटीफा बाय आमना काफ़ी बार आपने इसका नाम सुना होगा देखा होगा हो सकता है यूज़ भी क्यों चीज़ें बट मेरा पर्सनली ये फर्स्ट टाइम है मैंने खुद खरीदी हैं तो चलो फिर खोल के देख लेते हैं अच्छा दो बॉक्सेज हैं बाय द वे सबसे ज्यादा पैसे मैंने यहीं पे खर्च किया तो ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो मैं चीजें निकाल लेती हूँ पहले सारी फिर दिखाती हूँ अच्छा मैंने ना डील में बाय की थी चीज़ें तो डील में मुझे काफ़ी सस्ती पड़ी हैं वरना अलग अलग महंगी थी अच्छा सबसे पहले सबसे पॉपुलर इनका प्रोडक्ट है जी ये पोरफेड प्राइमर आपने देखा होगा कहीं कही ना कहीं वैसे जो मुझे नॉर्मल वाला चाहिए था ओरिजिनल वाला वो नहीं मिला आउट ऑफ स्टॉक था तो ये टेंटेड पोरफेड प्राइमर लिया है मैंने आई थिंक उसी की तरह है बस टेंट होगा इसमें खैर देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है सेकेंड मैंने जी मंगवाया है इनका ये ट्रांसलूसेंट बेकिंग पाउडर जिसकी क्वांटिटी ने मुझे बड़ा हैरान किया है मतलब इतना बड़ा बॉक्स है लेकिन इसमें प्रोडक्ट बहुत थोड़ा सा है बाकी मतलब 90 परसेंट इसका ढक्का नहीं है बट खैर नेक्स्ट जी हमारे पास है ब्यूटीफाई बाय आमना का रेडियंट कंसीलर इसका शेड मैं यहाँ मैंशन कर दूंगी मुझे याद नहीं आ रहा अभी अच्छा जी ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है लग्जूरियस लग रहा है बट कैसा है वो तो मैं यूज़ करके बता पाऊंगी अच्छा ये शेड भी मुझे मिल गया शेड है इसका जीरो थ्री नेचुरल और इसके अलावा ये जी है ल्यूमिनस फाउंडेशन लॉन्ग वेयर मैंने बड़ी रिसर्च की थी इनकी क्योंकि दो तीन फाउंडेशनज है ना तो मुझे जिसके रिव्यू ज़्यादा अच्छे लगे फिर मैंने वो लिए अभी मैं खुद ट्राई करके इसका रिव्यू इन जल्दी शेयर करूँगी तो ये जी आ गई इनकी ल्यूमिनस फाउंडेशन इसका शेड मैं देखती हूँ एक सेकेंड ये जी आ गई इसकी बैग डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है शेड इसका नीचे अच्छा ये रहा ये जी इसका शेड आ गया मीडियम जीरो फाइव शेड का नाम है बल्कि वो इसका मैं स्वाच भी दिखा देती हूँ तो ये जी पंप वाली इसकी बॉटल है और थोड़ा सा हम हाथ पर स्वाच करके देख लेते हैं कि इसका शेड किस कलर का है ओके अच्छा काफ़ी लाइट वेट फाउंडेशन नहीं है देखने भी लग रही होगी आपको थिक नहीं है इतनी तो आई गेस कवरेज उसकी मीडियम होने वाली है बट दिस इज द शेड इसके अलावा भी आई थिंक तीन चार शेड्स थे मतलब डार्क में भी थे और लाइट में भी थे तो अपने हिसाब से आप लोग चेक कर लेना इसके अलावा जी मैंने बाई की थी ये बीबीए की मिस्ट एंड फिक्स मेकअप सेटिंग स्प्रे तो ये जी इसका बॉक्स है छोटा सा है मतलब मुझे लग रहा था बड़ी बॉटल होगी खोल के देखते हैं ओके okay, वो छोटी सी क्यूट सी गोलू मोलू से ये बॉटल है अच्छा ये सेटिंग स्प्रे की है आ, अगेन कुछ नहीं कर सकती अभी मैं बाकी मैं इसको ट्राई करूंगी बताऊँगी ऐसे आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने अगर बीबीए का कोई प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ है तो कौन सा किया है कैसा लगा अपने रिव्यूज़ वगैरह शेयर करना अच्छा इसके बाद ये हॉट रेड कलर की जो पैलेट है इसको देखते हैं ये जी है बी ब्यूटी स्लीक कॉन्टोर पैलेट अच्छा वैसे सारे पैसे और सारी वाइब ना इनकी पैकेजिंग की है मतलब टू बी ऑनेस्ट बहुत बहुत जबरदस्त मुझे आउटअर्ट लुक लगी है तमाम प्रोडक्ट्स की अच्छा ये खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर से पैलेट ओके okay, तो इसमें ये चार शेड्स हैं एक आई थिंक इसमें कॉन्टोर है ये सेटिंग पाउडर होगा ये स्टार वाला हाइलाइटर है और ये लास्ट में आई थिंक ब्रॉन्जर या कॉन्टोर ही होगा गेस तो ये जी हैं चार इसके शेड्स इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी मुझे बहुत मजे की लगी थी पैलेट देखने में मतलब ऑल इन वन टाइप की चीज़ हाईलाइटर भी है कॉन्टोर भी है ब्रॉन्जर भी है सेटिंग पाउडर भी है तो अगेन दीज आर नॉट माई फाइनल वर्ड्स मैं बस इनकी देखने में जो मुझे खूबसूरत लग रहे हैं बस वो एक्सप्लेन कर रही हूँ आउटर लुक एक्सप्लेन कर रही हूँ परफॉर्मेंस वाइज मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ अभी तो आई गेस मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना से बस यही कुछ मंगवाया था काफ़ी पैसे खर्च किए हैं पर मैंने डील्स मंगवाई थी तो डील्स में मुझे हाँ ये सस्ता पड़ गया तो आपको मैं ये एडवाइस करूंगी कुछ लेना हो तो इनसे डील्स में लेना वो सस्ता पड़ता है एंड आई गेस दैट वॉज इट फॉर टू डेज वीडियो ये था जी आज का हॉल जहाँ मैंने अपने सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए ऑन पाकिस्तानी मेकअप प्रोडक्ट्स बट आई थिंक इट्स फाइन क्योंकि अच्छे कॉज के लिए किया है मैं बस यही मेरा असल मोटिव यही है कि लोकल प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट कर सकें और जो हम इसराली लिंक्ड कंपनीज को बॉयकॉट कर रहे हैं उस भी हमें हेल्प हो तो ये थी जी आज की वीडियो मैंने पाकिस्तानी मेकअप प्रोडक्ट्स का हॉल शेयर किया है काफ़ी सारे और भी ब्रांड्स हैं आप लोग मुझे बताना मैंने कौन कौन से पाकिस्तानी मेकअप के ब्रांड्स मिस कर दिए हैं नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह उनको देखेंगे बाकी स्टे यून थोड़ थोड़े थोड़े कर करके रिव्यूज़ आते रहेंगे यहाँ यूट्यूब पर नहीं तो इंस्टाग्राम पर तो फॉर श्योर मैं रिव्यू कर ही दूँगी स्टोरीज़ पे या रील्स वगैरह में सो दिस इज़ माई इंस्टा हैंडल ये अकाउंट है ज़रूर फॉलो कर लेना वहाँ पे एंड यस दैट वॉज इट अल्लाह हाफिज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और जो जो चीज़ें आपसे सभी हॉल में शेयर किए हैं इन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए तो आप चेक कर लेना बाय बाय